Hi, my name is Apoorva Arora and you are watching me on iDiva's Home Invasion. तुझे ये बग्गा पसंद कैसे आया? तुम दोनों काफी अलग नहीं हो? वेलकम होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लिविंग रूम है हमारा. यहाँ पे मेरी सारी खुराफात, मेजर खुराफात, मेरी हाउस पार्टीज, मेरा मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स, इंटरव्यू, सब कुछ यहीं से होते हैं. स्पेशली बिकॉज पेंडेमिक के बाद से सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, तो घर सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट, मुझे क्लियरली बुक्स का बहुत शौक है. तो मेरे घर पर पहले 3 बुक शेल्फ्स थे एंड आई थॉट कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो रहा है, मतलब. सो देन आई केप्ट वन असाइड. तो फिर अब एक ये और एक वो हो गए हैं. एंड आई गेव सम ऑफ माई बुक्स टू माई मॉम इन दिल्ली एंड शी इज़ केप्ट दैम. एंड यहाँ डाइनिंग टेबल है और यहाँ बैठ के मैं अपनी सारी काम करना, लैपटॉप लेके बैठना, खाना खाने के अलावा डाइनिंग टेबल पर सब कुछ होता है, जो हम आपको दिखाएंगे अभी. एंड दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड मी एकदम ही, मतलब, पसरे हुए पूरा टाइम. देर इज़ नो अदर प्लेस जहाँ मैं पसरी हुई दिखूँगी पूरा टाइम, बिकॉज टीवी सामने है. लाइक आई सेड, खाना खाना डाइनिंग टेबल पे तो होता ही नहीं. खाना खाना यहाँ पे होता है, क्योंकि खाते वक्त टीवी चाहिए, राइट? एंड फ़ोन चाहिए, जो यहाँ ही चार्ज होता है सिर्फ. तो यहीं बैठी रहती हूँ मैं. दोस्त आते हैं आजकल, वैसे ही वर्ल्ड कप इतना चल रहा है, तो आप पूरा दिन सुबह से शाम तक वही ना खुल जाता है. इट्स रियली कूल. इट्स लाइक अ सोफा कम बेड सिचुएशन. और इस पे दोस्त मेरे ऐसे पसर जाते हैं जैसे हमारे, मतलब, जैसे यू नो लाइक वेयर कजन्स ऑन अ समर वेकेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड हम बैठ कर आराम से टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं. उसके बाद सबके कमरों में ऐसी दर्द होती है और उम्र का तकाजा भी हो जाता है कि ऐसे इस पोजिशन में बैठना हमारे लिए अब सही नहीं है. एंड दिस कॉर्नर इज़ एवरीबडीज एब्सोल्यूट फेवरेट, क्योंकि एक तो लुक्स वेरी प्रिटी. इट्स अ ग्रेट बैकग्राउंड फॉर माई ऑडिशंस ऑल्सो. तो एक्टर्स को ये भी सोचना पड़ता है. तो यहाँ पे ज़्यादातर आई थिंक आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे बहुत दिखते हैं. मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो जब मेरे को उनके साथ मन करता है उनकी फ़ोटोज़ खींचने का, एंड व्हेन आई फील लाइक आई एम मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, दिस इज़ वेयर आई मेक देम पोज ऑलवेज. एंड जैसे कि आप वहाँ पर देख रहे हो, अगेन देर आर बुक्स ओवर देर एज वेल. लेट मी जस्ट गो एंड so this entire area, this entire cabinet is just who I am. There's a clapboard. I'm an actor. This is something that I made, and पता नहीं मेरे हाथ से कैसे बन गई ये painting. I'm so bad at art that lockdown में इतना bore हो गया कि मुझसे ये भी बन गया. so then this my father decided to display, and there's more books, there's more. This is my first film ever, Bubblegum. और इसकी I don't think और कोई कॉपी होगी, किसी और एक्टर के घर पर भी नहीं होगी. आई एम प्रीटी श्योर किसी और स्टोर में नहीं मिलेगी, ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे घर में मिलेगी ये. आई थिंक आई एम दी ओनली वन हू केयर्ड इनफ अबाउट इट. एंड देयर्स बचपन के गेम्स, देयर्स लूडो, मोनोपोली, एंड थोड़े नॉन बचपन के गेम्स ऑल्सो दैट माई मॉम शुड नॉट बी सीइंग. तो ऐसे मिला के थोड़ा मैंने आई वॉन्टेड माई टी वी कैबिनेट, बिकॉज दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू सी ऑल डे. लाइक आई सेड, पूरा दिन टी वी देखना है, पूरा दिन फिल्में देखनी है. तो यहाँ पर वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो मेरे लिए कुछ सिग्निफिकेंस रखती हैं. बाकी घर में आप ब्यूटिफाई करने के लिए कुछ भी रखो, बट द थिंग दैट यू आर सीइंग ऑल द टाइम, दैट शुड बी वॉट यू लव. एंड ऑल्सो देयर इज़ लाइक माई फिल्म कैमरा हियर. तो मुझे बड़ा शौक है फिल्म पर शूट करने का. सो आई एम होपिंग टू कलेक्ट मोर कैमराज, एंड आई थिंक ऑन डिस्प्ले पूरा यहाँ पे रहेगा तो इट विल बी नाइस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड. आई रियली लाइक, जैसे ये घर की जो शेप है ना इस लिविंग रूम की, बहुत सही ही है. सो इट्स काइंड ऑफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड इट्स रियली नाइस. डाइनिंग टेबल, जिसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे खाना खाने के अलावा सब कुछ होता है, अनलेस गेस्ट्स आए घर में, क्योंकि टीवी वहाँ पे है एंड आई हैव टू सिट देयर. यहाँ पे होती है पढ़ाई. यहाँ पे मेरी कॉलेज की पढ़ाई, मेरी कॉलेज की पढ़ाई मतलब मेरी मास्टर्स की पढ़ाई, या मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, या अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू यू नो ट्राई माई हैंड एट स्क्रीन राइटिंग ऑल्सो. सो ये वो स्पेस बन गया है. तो अब यहाँ बैठ के मुझे काम ही याद आता है. दिस इज़ माई बार कैबिनेट विच इज़ वेरी खाली बिकॉज नोबडी ड्रिंक्स इन दिस हाउस. माई पेरेंट्स डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक. रेयरली व्हेन देयर आर पार्टीज आई कलेक्ट दीज
बॉटल्स कि ये उस दिन पार्टी में यूज़ हुई थी, ये उस दिन यूज़ हुई थी. सो इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर मी. ड्रिंकिंग इज़ लाइक अ दिस फॉर मी. सो ये छोटा सा है एंड बड़े शौक से माई डैड बॉट मी दीज ग्लासेज. यू नो, तो पार्टी करेगी ना घर में तो वाइन को वाइन ग्लासेज में सर्व करना, ऐसे किसी ग्लास में सर्व नहीं करेगी मेरी बेटी. सो ये सारा है यहाँ पे एंड दैट्स माई यूक. मैंने लॉकडाउन में लिया था, लॉकडाउन के जस्ट पहले लिया था. सो आई गॉट लकी कि मेरे पास एक हॉबी थी परस्यू करने को, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो एक डेकोर पीस बन गया है बिकॉज आई डिड नॉट लूज इंटरेस्ट, आई जस्ट डिडंट फाइंड एनीबडी टू टीच मी आगे. सो वो है अभी के लिए. आई होप टू लर्न सून. एंड ऑफकोर्स देयर इज मंदिर, जो कि बहुत ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए. दिस इज़ फॉर माई मॉम, दिस इज़ माई मॉम्स टच टू द हाउस, कि एक मंदिर ज़रूर होना चाहिए. तो एवरी वीक अपना मंदिर अपने हाथ से साफ़ किया कर, एंड आई ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज आई कैन, कि एटलीस्ट मंदिर साफ़ कर लूँ, कभी कभी दिया जला दूँ, सो दैट माई मॉम फील्स हैप्पी. दैट्स द ओनली गोल फॉर मी, मॉम खुश रहे. अच्छी अच्छी वाइब्स आती रहे, अच्छी अच्छी खुशबू आती रहे. समटाइम्स आई लाइट अगरबत्ती ऑल्सो. लकीली आई फाउंड एन अगरबत्ती विच सूट्स मी. सो यूजली बहुत सारी इंसेंस स्टिक्स आपको सूट नहीं करती हैं. सो देयर इज एक यहाँ है, दिस इज़ कॉफ़ी एंड विस्की फ्लेवर्ड, एंड देयर इज अनदर वन ओवर देयर विच इज़ जस्ट कॉफ़ी फ्लेवर्ड एंड इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट का टच टू इट. सो ऐसी वाली चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि शाम को 5-6 बजे और मैं कैंडल जला लूँ बस और कॉफ़ी बना लूँ एक. And moving on to, I don't know if I showed you guys this before or not, but इसमें मेरी बहुत सारी फेवरेट किताबें हैं. जैसे there's बहुत दूर कितना दूर होता है by मानव कौल, one of my favorite modern day writers. कब से ये बुक लेके मैं घूम रही हूँ, कभी पृथ्वी थिएटर पहुँच जाती हूँ, उनसे साइन करवा लूँगी, कभी मिल जाएंगे तो, कभी कहीं सोचती हूँ कि वर्सोवा में मुझे पता है वो कहाँ चिल करते हैं. और I'm not a stalker, I'm not, but मुझे सिर्फ उनसे ऑटोग्राफ लेना है. एंड देर इज़ अमृता प्रीतम की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं. रसीदी टिकट है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है. दस्तावेज़ है, जो उनके लेटर्स हैं इमरोज़ के साथ. सो इन सब बुक्स का कुछ ना कुछ, हर एक बुक का सिग्निफिकेंस है. ये बुक मैंने अपनी मॉम को दी थी, और वो मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पढ़नी थी. सो आई डू दिस अ लॉट. क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो बुक्स गिफ्ट करो जो आपको पढ़नी हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड. दिस इज़ अ वेरी mean sort of a hack, and this is where the magic happens. I don't know why I said that, but this is my bedroom. All right, so let me take you to the other part of the house. Enter karne se pehle I think ye dekhna bahut zaruri hai, ye mera masterpiece hai. This is the best thing I've ever done in my life, because Majnu bhai ka aashirwad hamesha mujh pe bana rahega. In fact kabhi kabhi, like I said, I really love candles, to main candles vagera jalati hu, to kahan hi rakhungi, ekdam bed ke paas to nahi rakhungi, to yahan rakh deti hu. So sometimes I realize it's just like paying my respects to Majnu bhai, or I don't know, it's just funny. And yahan pe usually बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं. यहाँ पे वो कपड़े होते हैं जो मुझे दोबारा पहनने हैं, पर मैंने अभी यूज़ करने हैं, बाकी हैं तो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ. चार्जर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, बट बिकॉज़ आज आप लोग आए हो मेरे घर पे, तो मैंने थोड़ी इज्जत से सफाई कर ली. एंड दिस हैज़ गॉट ऑल ऑफ माई यूटिलिटीज़, मेरे चश्मे, मेरी घड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह. और ये तो भाई मेरा फेवरेट चीज़ है इस घर का. आई थिंक दिस कबर्ड इज़ ब्यूटिफुल, इट केम विद द हाउस. और मुझे इसको क्लीन करके रखने का बहुत शौक है. लाइक आई लव ऑर्गेनाइजिंग दिस, बिकॉज आई काइंड ऑफ मैनेज टू अवॉइड ऑल माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ आई क्लीन दिस एंड आई गेट अ सेंस ऑफ हैविंग डन सम वर्क. तो मैं इसको समेटती रहती हूँ हमेशा. दिस इज लाइक द फेवरेट थिंग इन द हाउस. आई थिंक इस एपिसोड के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत आलसी किस्म की इंसान हूँ. मतलब मैं बहुत ही घर घुस्सू किस्म की इंसान हूँ. मुझे घर में बैठना, घर में रहना, मेरे प्लान सारे घर के, अच्छा कुछ नहीं है चलो मैं सो जाती हूँ, उस टाइप की इंसान मैं हूँ. एंड आई हैव केप्ट इट वेरी वेरी बेसिक. इधर कोई कम्फर्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई यूज़ अ वेरी नॉर्मल ब्लैंकेट. वो जो फरी फरी ब्लैंकेट्स नहीं होते, जो दिल्ली में, मतलब जो लाइक नॉर्थ इंडिया में आप ऐसे ओढ़ के सोते, जैसे कंबल बोल सकते हो जिसको आप टू इन लाइक इन दैट वे. तो दैट कंबल फील्स लाइक अ फेरीज हग, and a comforter somehow feels like a thappad.
तो इसलिए यहाँ वो यूज़ होता है. देन दैट देर इज़ लाइक 50% ऑफ माई क्लोथ्स इन दिस अलमेरा, दिस कबर्ड विच आई एम नॉट गोइंग टू ओपन. बट यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की. ये मैंने एक नाइट स्टैंड जैसा बनाया था, मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर नाइट स्टैंड बट मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ बुक बाय योर बेड साइड. ये ज्वेलरी जैसे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ मिरर है तो मैं यहाँ रेडी होती हूँ, सब करती हूँ, तो कुछ कुछ ज्वेलरी कभी इयर रिंग्स उतार के फटाफट यहाँ रख दिए. एंड आई गॉट दिस रियली प्रिटी थिंग फ्रॉम सिंगापुर एंड इट्स एक्चुअली सपोज टू बी अ सोप होल्डर ही बोलते हैं ना, बट मेरे को लगा कि दिस इज़ गुड फॉर ज्वेलरी, तो मैंने बेड साइड जो भी मैं रात को आके सोती हूँ उतार के फटाफट रख दिया. ये मेरा वैसा वाला ज्वेलरी बॉक्स तो नहीं है, वो बन गया है. एंड आई नो दिस इज़ वेरी क्लीशे, ये बहुत ही ऐसी मोटिवेशनल बातें आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चलती हैं मुझे पता है, बट आई गॉट दिस व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड इट लाइक मेड सेंस टू मी. सॉरी इस पर बहुत मिट्टी है बट इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी देन. ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती हैं कभी कभी. तो ये मैंने बेड साइड पर रख लिया. दिस बुक आई गॉट फ्रॉम द ऑथर हिमसेल्फ, ही डिडंट साइन इट फॉर मी, ही सेंट इट टू मी वाया अ रिटेल साइट. तो साइन नहीं है बट उन्होंने ही भेजा मुझे ये, तो मेरे लिए बड़ी स्पेशल किताब है ये, तो वो मैंने यहाँ रख ली. एंड बिकॉज इस रूम के कलर्स अदरवाइज बहुत म्यूटेड हैं, पर्दे बहुत डल हैं, जिसको मुझे बड़े सुंदर लगते हैं बट बहुत डल हैं फॉर श्योर. सो आई डिसाइडेड टू कीप अ लिटल बिट ऑफ कलर हियर. So that is the story of my bedroom. If you guys want, हम थोड़ी सी cosmetics पर जा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. मुझे बहुत शौक है यार perfumes का. Let me give you a sneak peek into what I use. This is my everyday, like you know, I don't know if a lot of actors talk about this, but actors की ना एक process होती है to give a certain scent to your characters. What happens is when you use that perfume, when you use that fragrance, इट टेक्स यू, इट ट्रांसपोर्ट्स यू इन टू द वर्ल्ड ऑफ दैट कैरेक्टर, क्योंकि आप उस स्मेल को उस कैरेक्टर से एसोसिएट करते हो. तो अक्सर इसमें से कोई अलग अलग चीज़ें मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस इस सो एंड सो कैरेक्टर का है, ये नायरा का है, ये एक काम घर चलिए. इसीलिए शूट के हिसाब से तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट द वन दैट आई यूज एवरी डे इज दिस. इट्स ब्यूटिफुल, इट गोज़ रियली वेल विद माई स्किन, गोज़ रियली वेल विद माई पर्सनैलिटी. थोड़ा फ्लोरल है बट इन योर फेस फ्लोरल नहीं है, मतलब चमेली का तेल वाइब्स नहीं है. सो आई क्वाइट लाइक इट एंड आई एम अ सकर फॉर प्रिटी बॉटल्स. ये बहुत ही प्रिटी है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेरी गुड गर्ल, जो कि मैं नहीं हूँ बट ये इट्स गॉट अ वेरी इवनिंग यू नो कॉकटेल गाउन सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस टू इट. आई मीन यू कांट ऑब्वियसली स्मेल इट बट इसका वाइब थोड़ा वैसा है. तो ये मैं तब यूज़ कर लेती हूँ जब शाम को कहीं जाना है एंड आई एम वेयरिंग यू नो लाइक एन अपडू एंड अ नाइस गाउन, दैट सॉर्ट ऑफ अ फील. सो ये मेरे लिए वो है. एंड अदर देन दैट आई ऑलवेज कीप्स चेंजिंग माई फ्रेग्रेंस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. जैसे एक अभी पीछे मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी तो उसके लिए मैंने इतर यूज़ किया था. एंड द रीज़न आई बॉट दिस इतर वॉज ऑल्सो बिकॉज इट्स कॉल्ड मकबूल. I did not smell it. I just saw the name and I'm a big Irfan Saab fan, big Vishal Bhardwaj fan, Maqbool fan of course. So ye fragrance isliye li thi aur jab check ki to it turned out to be really good and ye character ki fragrance thi. एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे यहाँ पे मिलेंगी. ऑफकोर्स मैं एक्टर हूँ तो 10 तरह की स्किन केयर, 10 तरह की ये वो, हर सिचुएशन के लिए, हर मौसम के लिए आपको स्किन केयर यहाँ पे तैयार मिलेगा. और मैं ग्लास बैंगल्स की शौकीन भी हूँ. कुछ ग्लास बैंगल्स यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ दूसरे कबर्ड में अंदर पड़ी हैं बिकॉज यू नो आई कॉन्ट रियली लाइक फिट इन एवरीथिंग हियर, बट आई लव ग्लास बैंगल्स. एंड अगर कोई भी दिल्ली से है तो उन्हें पता होगा कि हनुमान मंदिर के पीछे एक मार्केट है चूड़ियों की. सो दिस ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम देयर. ये बेचारा आइटम घर में कपड़े सुखाने के लिए यूज़ होता है, इसमें हमें कपड़े सुखाने होते हैं. ओके और कुछ नहीं होता इसका यूज़. आई एम किडिंग. दिस आई गॉट इन विद अ ब्रांडेड वीडियो एंड दे सेंट इट टू मी एंड दे लेट मी कीप इट एंड इट्स रियली कूल. ये बहुत सॉर्टेड है मेरे लिए क्योंकि आई रियली विश आई हैड सम स्पेस टू कीप इट आउटसाइड,
बट ठीक है, मुंबई में स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमेशा. आप जितने पैसों में दिल्ली में महल ले सकते हो या नॉर्थ इंडिया में महल ले सकते हो, उतने पैसों में आप इतना सा कमरा लेते हो. एंड यस, चलो अब निकलो मेरे कमरे से, बहुत हो गया. लेट मी शो यू व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस मेहनत. इट्स दिस, इट्स अ रियली क्यूट टोट बैग एंड इट लुक्स लाइक इसमें कुछ है. इसमें हम देखते हैं क्या है. बट आई लव व्हाट दिस सेज. दिस आईडिया इज डलुलु. यस, आई एम वेरी वेरी डलुलु. Okay, let's see what I have. Oh, nice. So that means they're telling me, "Behen, thoda workout kar lo." Pata nahi, I think so. I think it's a sports watch. Hai na? Kaafi sundar lag rahi hai. Doesn't look like a regular boring one. So sahi. Mujhe bahut shauk hai ghadiyon ka. So thank you. And there's one more thing. ओह, सच में बोल रहा है वर्कआउट कर लो यार. ये तो सच में बोल रहा है. इट्स पीनट बटर विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन इट. सो यस, थैंक यू. आई एम गोना वर्कआउट एंड आई एम गोना हैव माय प्रोटीन. यू गाइस टू टेल अस इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको मेरा घर कैसा लगा. उसके बारे में तो आप वैसे कुछ कर नहीं सकते हो, आपको कैसा भी लगे मेरा घर. बट गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आईडीवा.